रमज़ान अल मुबारक 2024 की आमद आमद है और लोग पूछ रहे हैं मौसम कैसा रहेगा। पहले तो आपको बताऊं कि मोस्ट प्रोबेबली रमज़ान अल मुबारक 2024 का पाकिस्तान में आगाज़ 11 मार्च से होगा। 11 मार्च को आगाज़ होगा। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि तमाम वेदर न्यूज़ आपको इस चैनल पे मिल जाती हैं। सो 9 अप्रैल को मोस्ट प्रोबेबली आपके पास ईद उल फितर होगी, यानी मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और 11 मार्च को आगाज़ होगा रोज़ों का। 9 अप्रैल को ईद होगी। सो ये तो चीज़ क्लियर होगी। दूसरी ये चीज़ कि मौसम कैसा रहेगा। देखिए, दिन के वक्त कोई ज़्यादा धूप आपके पास नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान में चूँकि आपने देखा कि KPK में बर्फ़बारी हो रही है, पहाड़ी इलाकों में, बलाई KPK में, गिलगित में बर्फ़बारी हो रही है, कश्मीर में बर्फ़बारी हो रही है, मरी में बर्फ़बारी हो रही है, जिसका और साथ साथ बारिशों का एक लंबा सिलसिला पाकिस्तान दाखिल हुआ है, जिसको आपने देखा ग्वादर में सैलाब आया, बाकी भी शहरों के अंदर 100 मिलीमीटर की बारिश हुई। सो इन बारिशों की वजह से और बर्फ़बारी की वजह से पूरे रमज़ान यानी तकरीबन 30 रोज़े 9-10 अप्रैल तक मौसम ठंडा रहेगा। कोई गर्मी नहीं होगी, कोई हब्स नहीं होगी, कोई आपको रोज़ा लगने वाला नहीं है, ठंडे रोज़े होंगे आपके पास और आपको कोई मेरे नहीं ख्याल के प्यास लगेगी। शायद कोई भूख लग जाए वो अलग बात है, प्यास नहीं लगेगी आपको। बड़े ज़बरदस्त रोज़े गुजरने वाले हैं, बड़ा ठंडा मौसम रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।